वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियर चॉइस ट्यूटर आज के लेक्चर में हम देखेंगे एफ आई आर सिस्टम क्या होता है एंड आई आई आर सिस्टम्स क्या होते हैं सो द एल टी आई डिस्क्रीट टाइम सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसा इम्पल्स रिस्पॉन्स आ रहा है उसके बेसिस पे एलटीआई डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को टू पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया गया वो कौन से टू पार्ट थे एक तो एफ आई आर सिस्टम बोला गया दूसरे को बोला गया आई आई आर सिस्टम ओके एफ आई आर सिस्टम मीन्स क्या होता है फाइनाइट ड्यूरेशन फाइनाइट ड्यूरेशन इंपल्स इंपल्स रिस्पॉन्स सिस्टम ओके एफ आई आर सिस्टम का क्या मतलब हुआ फाइनाइट ड्यूरेशन इंपल्स रिस्पॉन्स सिस्टम आई आई आर सिस्टम का क्या मतलब हुआ इनफाइनाइट ड्यूरेशन इनफाइनाइट ड्यूरेशन इंपल्स रिस्पॉन्स इंपल्स रिस्पॉन्स सिस्टम ओके इतना क्लियर है अब हम देख लेते हैं कि एफआईआर सिस्टम क्या होता है देखिए एफआईआर सिस्टम मींस फाइनाइट इंपल्स रिस्पांस सिस्टम ओके या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको फाइनाइट ड्यूरेशन इंपल्स रिस्पांस सिस्टम बहुत आर करेक्ट तो क्या होता है एफआईआर सिस्टम में इन एफआईआर सिस्टम द इंपल्स रिस्पांस कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स ओके इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं ओके okay. सो so, इन सिस्टम इम्पल्स रिस्पांस जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है वो क्या कंसिस्ट करता है फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स कंसिस्ट करता है ओके इफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स सीक्वेंस इज ऑफ फाइनाइट ड्यूरेशन सिस्टम इज कॉल्ड अ फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम ओके इट इज क्लियर इतना क्लियर है एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग देखिए ये इंपल्स रिस्पॉन्स दिया है माइनस वन है किस किस टाइम एन पे एन इसल टू थ्री एंड फोर पे वन कब है एन इस्वल टू वन एंड टू पे और बाकी सारी जगह जीरो है तो यहां पे दिख रहा है आपको फाइनाइट ड्यूरेशन है ओके okay ना फाइनाइट ड्यूरेशन या फिर आप ऐसे बोलिए कि ये जो इंपल्स रिस्पॉन्स है वो फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल कंसिस्ट किया है सिर्फ मतलब एनइजक्वल टू थ्री पे कुछ सैंपल है एनइजल टू फोर पे सैंपल है एन इसवल टू वन पे सैंपल है एन इसकल टू टू पे सैंपल है यू कैन काउंट द नंबर ऑफ सैंपल्स इन दिस केस दैट इज इन एफ आई आर सिस्टम केस ओके सो एफ सिस्टम क्या होता है इन एफ सिस्टम द इंपल्स रिस्पांस कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स ये पॉइंट मेन है फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स सो द कॉन्वलेशन फॉर्मूला फॉर एफ सिस्टम कॉन्वलेशन फॉर्मूला क्या होता है एफ सिस्टम के लिए वो देख लेते हैं सो वाई ऑफ एन समेशन के इजक्ल टू जीरो टू एन ऑफ के इन ऑफ एन माइनस ओके वल टू जीरो फॉर एन स्मॉलर देन जीरो एन एन ग्रेटर दैन इक्वल टू कैपिटल एन ओके आई होप इतना आपको क्लियर हो सो आगे बढ़ते हैं आप आगे देख लेते हैं एफ आई आर सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय द डिफरेंस इक्वेशन दट इज द डिफरेंस इक्वेशन वाई ओ फैन इज्कवल टू समे समेन के इजक्वल टू जीरो

के इक्वल टू एन माइनस वन इतना क्लियर तो ये क्या होता है एफ आई आर सिस्टम का डिफरेंस इक्वेशन एफ आई आर सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय द डिफरेंस इक्वेशन दैट इज वाई ऑफ एन इक्वल टू समेशन के इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन बी ऑफ बी के इन टू एक्स ऑफ एन माइनस के वे आर बी के इक्वल टू एच ऑफ के फॉर के इक्वल टू जीरो टू के इजक्वल टू एन माइनस वन ओके सो दिस इज द एफ आई आर सिस्टम डिफरेंस इक्वेशन नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग आई सिस्टम के बारे में सो इनफाइनाइट ड्यूरेशन इंपल्स रिस्पांस सिस्टम क्या होता है अगर देखिए इफ द इंपल्स रिस्पांस सीक्वेंस इज ऑफ इनफाइनाइट ड्यूरेशन ड्यूरेशन फाइनाइट नहीं है ड्यूरेशन क्या है इनफाइनाइट है देन द सिस्टम इज कॉल्ड एन आई सिस्टम और इसको अनदर वर्ड में सिंपली बोला जाए तो क्या इन आई इन आई आई आर सिस्टम द इम्पल्स रिस्पॉन्स जो इंपल्स रिस्पॉन्स होता है एफ आई आर सिस्टम ऑफ सैंपल इजली बिकॉज देर इज अइट नंबर ऑफ सैंपल प्रेजेंट इन द केस ऑफ एफ आई आर सिस्टम बट इन द केस ऑफ आई आई आर सिस्टम द इम्पल्स रिस्पांस हैज इन फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स द बेस्ट एग्जाम्पल इज एच ओन इज टू 2 to the power n into u of n okay this is the example of the iir system iir system so in the in the impulse response of 2 to the power n into u of n the impulse response has infinite number of samples okay it will generate infinite number of samples so that's why we are saying that it is a iir system okay it is clear नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कॉन्वलेशन फॉर्मूला फॉर आई आई आर सिस्टम क्या होता है कॉन्वलेशन फॉर्मूला आई आई आर सिस्टम के लिए वाई ऑफ एन टू समू जीरो सॉरी यहां पे होगा एक्स एक्स ऑफ एक्स ऑफ एन माइनस के एक्स ऑफ एन माइनस के इट इज क्लियर तो ये क्या है कॉन्वलेशन फॉर्मूलास किसके लिए आई आई आर सिस्टम के लिए सो आई आई आर सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय द डिफरेंस इक्वेशन आई आर सिस्टम को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं डिफरेंस इक्वेशन क्या होता है आई आई आर सिस्टम का बस वो जान लेते हैं सो ऑफ इज़ इक्वल टू माइनस समेशन वन इक्वल टू एन ए के वाई ऑफ एन माइनस के प्लस समेशन इक्वल टू बी के इतना क्लियर है तो ये है क्या आई आर सिस्टम का डिफरेंस इक्वेशन आई आर सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय द डिफरेंस इक्वेशन एंड दिस इज द डिफरेंट इक्वेशन डिफरेंस इक्वेशन ओके तो ओवरऑल क्या मालूम चला हमें ओवरऑल आपको क्या समझना है दो चीजें बस समझनी है पहली चीज क्या कि आई सिस्टम में जो इंपल्स रिस्पॉन्स होता है ओके आई आई आर सिस्टम में जो इंपल्स रिस्पॉन्स होता है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं ओके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं बट बट जो एफ आई आर सिस्टम में इंपल्स रिस्पॉन्स आता है इंपल्स रिस्पॉन्स आता है उसमें क्या होता है फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स प्रेजेंट होते हैं रहा है ना आपको यही तो है फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल सैंपल एट एन इस्वल टू थ्री एन एक्वल टू फोर एन इसवल टू वन एन एन इक्वल टू टू हम काउंट कर सकते हैं कि ओके okay, यहाँ पे चार सैंपल हमें मिलेंगे बट इस केस में इसका जब ग्राफ बनाइएगा इसका जब ग्राफ बनाइएगा एच ऑफ एन इसवल टू 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 द पावर एन इन टू यू एफ एन तो आप बनाते चले जाइए बनाते चले जाइए एन का वैल्यू डालते चले जाइए आपको मालूम ही नहीं चलेगा कितने सैंपल्स इन फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स इसमें मिलेंगे हमें ओके okay? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द आई आई आर सिस्टम एंड द FIR system so i hope all things are clear to you so thanks for watching this video please like the video and share the video and subscribe our youtube channel thank you